इसलिए मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर नीरसन बाबर साहब को, प्रोफेसर ताहिर महमूद चौधरी साहब को, डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब को और हमारे जितने भी वर्दी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है फॉर स्पेरिंग देयर प्रेशियस टाइम। स्टार्ट करते हैं हम तिलावत कुरान पाक से। بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا JazakAllah. Now I would request our today's host for the welcome address. And for that, first of all, I would like to invite Dr. Habib Aslam Gawa Sahab, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I formally welcome the guest speaker and all the participants to this session. And a formal welcome address, I would request Professor Tahir Chaudhry Sahab to please proceed for the welcome address and then we move onward. जी थैंक यू डॉक्टर साहब। अगेन डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर दिस ऑगस्ट सेशन। मैं नहीं चाहता कि हम आपके और हमारे और ऑडियंस के दरमियान में टाइम जाया हो, तो मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से बहुत वार्म वेलकम। और प्लीज कमल आप स्टार्ट कीजिए इंट्रोडक्शन। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू राइट योर फर्स्ट बुक। बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव टॉपिक है। टोनी मॉरिसन एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है इन लिटरेचर। उनका एक कोट है दैट इफ यू वांट टू रीड अ बुक दैट हैज नॉट बीन रिटन येट then you must write it. And I truly believe कि हमारे जो industry और academia के intellects हैं उनका एक unique set of skills है, unique experience है, and in order to build a knowledge economy, it's our responsibility to transfer that knowledge to our current and future generations. और मेरे ख्याल में अगर हम एक book लिखते हैं तो एक बहुत ही बड़ा source of inspiration है। एंड मोर ओवर बहुत से लोग हैं जिनका एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम होता है टू बिकम अ राइटर, बट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस लाइक प्रोक्रास्टिनेशन और ओवर कमिटमेंट्स हम उसको अकॉम्प्लिश नहीं कर पाते। बट एज इट इज सेड दैट ड्रीम्स हैव अ स्ट्रेंज क्वालिटी, दे मैनिफेस्ट इन टू रियलिटी। सो अब हमने इसको एक रियलिटी में किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है उसके लिए आज हम हमारे जो स्पीकर हैं उनको इनवाइट करेंगे, डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब। He has over 20 years of experience in interfaith dialogue. He has published, he's a published author of various books on the same subject. And he's running his personal YouTube channel with more than 350 live recorded videos on the subject. Moreover, he has presented research papers at various universities in Pakistan, USA, Turkey, UK, China, and Saudi Arabia. So, Dr. Nayyum Mushtaq Saab, sir, over to you. Ji, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, everyone. I hope everyone can hear me clearly. Okay, lovely. मेरी चूंकि आदत है कि मैं थोड़ा सा दिल लगी के साथ बातचीत करता हूँ और ताहिर साहब का दोस्त हो और संजीदा हो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए अगर आप सब लोगों की इजाज़त हो तो दिल लगी साथ करते जाएं ताकि गुफ्तगू में मुझे आपको समझने में और आपको मुझे समझने में आसानी हो। ये फिल्मों वाली दिल लगी नहीं होगी, ये किताबी और इल्मी फिक्री दिल लगी होगी। मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, नईम मुश्ताक नाम है मेरा, मगर लाहौर में होने के साथ मैं पिछले 17-18 साल से इस्लामाबाद में सेटल्ड हूँ जॉब की वजह से। तो पैदा मैं लाहौर में हुआ, काम मैं इस्लामाबाद में कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा फैसलाबादी आई है, तो मुझे श्योर नहीं है कि अल्लाह ताला मुझे कहाँ पैदा करना चाह रहे थे। बहरहाल लाहौर में लैंड किया मैंने
तो अब यह है कि यूनिवर्सल फ्रेंडशिप का सर्कल है, दोस्त है बाबा। अब यह जब ताज साहब ने मुझसे ये बात की और डॉक्टर साहब अबीब साहब ने कि हाउ टू राइट अ बुक, इस पे हम एक सेशन कर चुके हैं हाउ टू राइट योर फर्स्ट बुक इस्लामाबाद में एचआर फोरम, जो मोहतरम ताहिर महमूद साहब हैं और डॉक्टर हमारे नाम बोल गया अपने दोस्त का डॉक्टर अवैस हाँ जी, प्रेसिडेंट उस फोरम थे, तो उनकी जेर निगरानी हमारा एक हुआ था सेशन इस पे, तो वो यूट्यूब पे लाइव वीडियो भी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप अगर चाहें तो वो देख सकते हैं। अच्छा गुफ्तगू मैं करूँगा एक तो उर्दू में, क्योंकि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है तो इसलिए उर्दू में मेरे लिए ज़रा बात करना आसान हो जाएगा, तो आपकी तरफ से इजाज़त है जी। अच्छा जो टॉपिक है वो ये हाउ टू राइट योर फर्स्ट बुक, तो मैं सोच रहा था कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ इस मौजू को, तो मैं बुलेट पॉइंट्स में बात करूंगा, यानी ये ऑर्गेनाइज्ड तरतीब के साथ गुफ्तगु नहीं होगी बल्कि ये कुछ ख्यालात होंगे जिसको आप नोट कर लीजिए, रिकॉर्डेड तो हो ही रहा है साथ में, तो मैं सोच रहा था कहाँ से आगाज किया जाए क्योंकि ये एक बिल्कुल सिस्टमेटिकली एक पूरी वर्कशॉप है, पूरी आप कह लें 2-3 दिन की, जहाँ पे आप सिस्टमेटिकली लेके चलते हैं और हर सेशन दूसरे सेशन के साथ कॉन्सेप्चुअली लिंक्ड होता है, तो वो चूंकि लिंक्ड कॉन्सेप्चुअली एक तरतीब के साथ चलता है तो फिर उसमें पूरा वक्त होने की वजह से वो बात समझाना आसान होता है। तो आज के मुख्तसर सेशन में ये है कि मैं सिर्फ टिप्स और वो मेजर चीज़ें जो आप समझ लें मगज़ है हमारी इस वर्कशॉप का या इस कॉन्सेप्ट का, वो मैं सिर्फ आपके सामने रखूँगा। अच्छा 2-3 चीज़ें ये हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी इस मौजू पर कभी कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं की कि किताब कैसे लिखते हैं, तो जो कुछ भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वो मेरा ज़ाती तजर्बा है, तो ज़ाती तजर्बे में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ कमज़ोर चीज़ें भी होती हैं, तो ये आपको जो हसबे कह लीजिए ज़रूरत जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी, जो आपके पहले से आप नॉलेज रखते हैं वो नोट कर लें या जो नई चीज़ें हैं आगे चल के आएंगी काम आपको, तो ये इस तरह तरतीब के साथ यानी बिखरी हुई तरतीब के साथ मैं चलूंगा इसको। मैं सोच रहा था इसको कहाँ से आगाज करें ना इसका, तो मेरे जहन में था सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या हर आदमी कोई ऑथर बन सकता है या नहीं बन सकता, तो ये बिल्कुल ऐसे होते हैं सवाल के लीडरशिप के हवाले से हम पूछते हैं कि जी लीडर्स आर बॉर्न या मेड, तो मेरा जहां तक अपना समझता हूँ मेरे ख्याल में ऑथर्स जो हैं वो बनाए नहीं जा सकते, वो फितरी तौर पर पैदा होते हैं। फितरी तौर पर पैदा होने वाले ऑथर अपने सिलसिला असबाब में तरबियत के प्रोसेस से गुजरते हैं, वो गैर फितरी तरबियत भी हो सकती है या फितरी तरबियत भी हो सकती है, जैसे किसी प्रॉपर वर्कशॉप में से जाना, आइडियाज लेना, पिक करना, तो वो ये मेरा ताल्लुक उन लोगों में से है जो आप समझ लें बाई बर्थ ऑथर्स थे मगर मुझे पता नहीं कि मेरे अंदर ऑथर्स वाली सलाहितें हैं या नहीं है, तो जिंदगी के नशेबो फराज से गुजरते गुजरते मैं एक्सीडेंटल ऑथर बना और उस एक्सीडेंटल ऑथरशिप के अंदर फिर मैंने बकायदा इसके ऊपर मौजू पे किताबें पढ़ी, मुख्तलिफ लोगों को सुना, ताकि जो लाशौर में नॉलेज था वो शौरी सतह पे मैं लेके आ सकूँ, उसको मैं किसी उनवान की शक्ल दे सकूँ, उसको किसी तरतीब की शक्ल में कन्वर्ट कर सकूँ, तो जो लाशौर में मेरे नॉलेज था उसको शौर की सतह पर लाकर लोगों को बयान करने के काबिल होने के लिए मैंने फिर किताबें पढ़ी हैं, और ताकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है ऑथर बनने के लिए मैं उस लैंग्वेज के अंदर उस जुबान के अंदर दूसरे लोगों को अपनी बात वो समझा सकूं जो मैंने किसी किताब से नहीं सीखी, जो आप समझ लें मुझ पर इल्हाम हुई है, इल्का हुई है अल्लाह पाक की तरफ से, जो मेरी छठी हिस्सा है जो उसकी वजह से, तो जो मुझे डिवाइन कनेक्शन से मेरे जो डिवाइन परसेप्शंस डेवलप हुए हैं उन डिवाइन परसेप्शंस को दुनिया की जुबान में बयान करने के लिए फिर मैंने किताबें पढ़ी थोड़ी सी। तो मेरा इंटरफेथ सबसे पहली किताब जो थी वो मैंने लिखी थी मौलाना रूम के ऊपर। अच्छा मेरा थीसिस ये है, मेरा जो सोच विचार का कह लीजिए जो है वो ये है कि ऑथर आदमी जो एक्सीडेंटल बनते हैं वो बेहतरीन ऑथर होते हैं, और मुझे बाद में पता चला किताब लिखने के बाद कि मुझ में ये सलाहियत है अगर मैं इस पर मेहनत करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, और जितने भी बेहतरीन ऑथर्स हैं दुनिया के अगर आप सबकी लाइफ को बायोग्राफीज को स्टडी करें तो उनमें एक चीज़ कॉमन होगी और वो एक चीज़ मुझ में भी थी, वो ये है कि वो कोई ना कोई ऐसे मेजर हादसे से गुजरे हैं
कि जिसमें अपने अंदर के स्ट्रेस और टेंशन को मैनेज करने के लिए वो पेपर पे अपने आप से खुद से बातें किया करते थे, खुद कलामी जिसको आप कहते हैं। तो वो खुद कलामी बाद में उनकी किताबों के कॉन्टेक्स्ट में आ गई, कोई खुद कलामी किसी किताब का उन्मान बन गया, कोई खुद कलामी किसी किताब का चैप्टर बन गया, कोई खुद यानी जब अंदर के आदमी से वो बात करते थे दुनिया से डिस्कनेक्ट होके, तो वो अंदर से आदमी से जो गुफ्तगू होती थी वो गुफ्तगू किताब की शक्ल में दुनिया के सामने प्रेजेंट हुई। मैं जब इंटरफेथ डायलॉग में बात करता था तो इंटरफेथ डायलॉग जो कि मजहब का टॉपिक है और उसमें आपने देखा होगा इस्लाम और मजहब के हवाले से जो लोग भी बात करते हैं वो आमतौर पर बैकग्राउंड रिलीजियस होता है, दाढ़ी है, जुब्बा है, पगड़ी है, टोपी है। तो जब मुझे बात करने के लिए बुलाते थे तो मेरा हुलिया इसी तरह होता था जिस तरह आपके सामने है, क्लीन शेव है सारा। तो वो सबसे पहले, और ये मैं आपको 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ जब मैं कदरे इससे बेहतर जवान लगता था, अभी तो लोड शेडिंग की वजह से बाल सफेद हो गए। तो बहरहाल वो जब मैं स्टेज पे बैठता था तो मैं सबसे यंग होता था और लोग क्वेश्चनेबल नजरों के साथ, स्टेज पे बैठने वाले भी जो स्पीकर होते थे और ऑडियंस में भी, वो ये समझ रहे थे कि मैं चूंकि मगरिब से शायद पढ़ लिख के आया हूँ तो शायद मेरा इस्लाम का नुक्ता नज़र या इस्लाम के मुतल्लिक जो मेरी ग्रिप है वो मगरबी होगी, इस्लामी नहीं होगी। और यहाँ पे जो लोग थे स्टेज पे बैठने वाले वो मुझे नफसियाती तौर पे, साइकोलॉजिकली तौर पे बच्चा समझ के तो ट्रीट कर रहे होते थे। तो दलाइल पे नज़र नहीं होती थी, हुलिये पे नज़र होती थी। तो मैं इस चीज़ से बड़ा ही इरिटेट होता था कि ये लोग मेरी दलील पर बात करने की बजाय मेरे हुलिये पे क्यों फोकस्ड है। तो मैंने उसका ये किया कि मैंने बैठ के परेशानी में इस रवैये को एनालाइज करना शुरू किया, और जब मैंने इस रवैये को एनालाइज करना शुरू किया तो मेरे छोटे छोटे से बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बन गए। मेरी आदत है मैं तफसील में अपने आप से बात नहीं करता, मैं कंक्लूसिव बुलेट पॉइंट्स में सोच विचार करता हूँ। सोचने के भी मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, बाज लोग एक साइकोनालिसिस होता है वो लिखते चले जाते हैं, बाद में जब वो पढ़ते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि वो अपने आप से क्या बातें कर रहे थे। मगर मेरा थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है बाज लोगों की तरह कि मैं बुलेट पॉइंट्स में सोचता हूँ कि जो मैं सोच विचार कर रहा हूँ इसको मैं उन्मान क्या दूँ। तो मैंने इस रवैये को जो उन्मान दिया, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरी पहली दूसरी किताब जो थी वो कैसे वजूद में आई। पहली किताब मौलाना रूमी की जो थी वो मैं आपको उसका बताऊंगा, बट सिर्फ ये एक थोड़ा सा प्रोसेस है। जब मैं ये अपने इंटरफेस डायलॉग के प्रोसेस को बैठा हुआ था लेके, तो बुलेट पॉइंट्स में जब मैंने रवैयों को एनालाइज किया अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि कोई बात नहीं ये चलता है सारा पाकिस्तान में, तो जो बुलेट पॉइंट्स मेरे जहन में आए वो ये था कि हमारा जो मुआशरा है पाकिस्तानी उसमें शख्सियत परस्ती है, फिक्र परस्ती नहीं है। पहला पॉइंट्स मैंने ये लिखा। दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा कि यहाँ पे तकलीद परस्ती है, इज्तिहाद परस्ती नहीं है। लोग पिछले बुजुर्गों को लेके चलते हैं, आइंदा पैदा होने वाले नए बुजुर्गों को आइडेंटिफाई या रिकग्नाइज नहीं करते। तीसरा ये था कि यहाँ जमात परस्ती है, खुदा परस्ती नहीं। अनलेस कि आपका ताल्लुक किसी दीनी जमात के साथ हो, आपको आलिम समझना दूर की बात, आपके इस्लाम पे भी शक होता है कि अगर आप ये कहें कि मेरा किसी मसलक फिरके से ताल्लुक नहीं है तो लोग आपको मशकूक नजरों से देखते हैं। फिर यह था कि उन्मान परस्ती है, काबिलियत परस्ती नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी इंटरप्शन चाहूंगा। मेरी गुजारिश ये होगी कि आप अपने सेशन को इस तरह लेके चलें कि ये किसी एक तरफ टिल्ट ना करे। हमारे पास इंजीनियर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं और प्रोफेसर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं जो टू बी राइटर हो सकते हैं, तो हमारे पास टाइम भी कम है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप, आइस ब्रेकिंग हो गई है, अब आप अगर बिल्कुल वो आपके टू दी पॉइंट जो बुलेट पॉइंट है ना जो आप शेयर करेंगे कि जी किताब लिखने के लिए ये होना चाहिए, उस पर आ जाए क्योंकि वो प्रश्न रह जाएगा, उसके लिए लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उधर ही आ रहा हूँ क्योंकि मुझे एहसास है कि बाज मौजूआत ऐसे सेंसिटिव होते हैं कि वो किसी की दिल आजारी का बायस भी बन सकते हैं, तो इसलिए वो ये बताना इसलिए जरूरी था सिर्फ सैंपल के तौर पर कि ये बुलेट पॉइंट जब मैंने लिखे हैं तो ये एक पेज पे 4-5 लाइनें थी।
और उन 4-5 लाइनों के बाद मेरे दिल को थोड़ा सा तसल्ली हुई, इत्मीनान हुआ। यानी मैंने सोसाइटी में एक प्रॉब्लम फेस की, अब मैं फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, मैंने सोसाइटी में प्रॉब्लम फेस की, मैं परेशान हुआ। सेकंड, मैंने अपनी परेशानी को अपने कागज़ पर मुंतकिल किया कि परेशानी है किस चीज़ की, ताकि मेरे मुंतशर ख्याली को एक यकसोई मिले। उन ख्यालात को जो मैंने बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में लिखे, उनको मैंने थोड़ी सी तरतीब देने की कोशिश की। जब मैंने तरतीब दी तो मुझे परेशानी के पीछे कॉन्सेप्ट नज़र आए, और जब मुझे कॉन्सेप्ट नज़र आ गए, यानी कॉन्सेप्ट की उनवान की शक्ल में जब मैंने उनको ग्रिप कर लिया, तो उनकी तफसील आसानी से मुझे मिसालों की शक्ल में नज़र आनी शुरू हो गई। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन को कागज़ पर मुंतकिल करके अपने आप से बात करने के बाद, इस एक छोटी सी मुख्तसर 10 मिनट की नशिस्त पे मेरी पूरी की पूरी किताब वजूद में आई थी, इस्लाम क्रिश्चियनिटी एंड डायलॉग ऑफ लव। ये इंटरफेथ डायलॉग पे बरेसगीर पाको हिंद में पहली किताब है। तो मुराद कहने का ये है कि अब उसको आते हैं इस तरफ, जिस तरह ताहिर महमूद साहब ने कहा कि अगर आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात पर सोचने की आदत है, और सोचना और सोचने के साथ साथ आपकी ये आदत है कि आप उसको दिमागी सतह पे नहीं बल्कि कागज़ कलम लेकर बैठकर उसको एनालाइज भी करते हैं, तो आपके अंदर एक बेहतरीन ऑथर बनने के सारी सलाहियतें मौजूद हैं। जो बाई नेचर ऑथर होंगे ना, वो सोच विचार के आदी होंगे, और वो सोच विचार सिर्फ खाली नहीं होगी बल्कि उनके यहाँ कोई नोटबुक होगी। आप अपनी हैबिट्स को एनालाइज करें ऑथर्स की, तो ये जो फाउंडेशनल रूटीन की हैबिट्स हैं, ये आगे चल के किताब प्रोड्यूस करती हैं। किसी एक जगह बैठ के किताब प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे बैठकर, ट्रेन में, बस में, एयरपोर्ट पर, ट्रैवलिंग लाउंज में, आप इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं तो आप अगर डेवो में बैठे हुए हैं, वो 4 घंटे का सफ़र है, तो जो ऑथर होगा वो उठते बैठते चलते फिरते वो हर वक्त हालत सोच में गुम होगा, ये उसकी अलामत है। अंदर की मशीन अगर ये चल रही है तो बाहर सिर्फ कागज़ पर प्रोड्यूस करना है, यानी अंदर से लेके कागज़ पे प्रोड्यूस करना, मगर किताब कागज़ पे नहीं लिखी जाती, किताब दिमाग में लिखी जाती है। तो अगर आपकी थिंकिंग हैबिट्स के अंदर लॉजिक है, सीक्वेंस है, और स्कॉलरली चीज़ें हैं, ख़ासतौर पे लोग जब थीसिस लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो कुछ लिख रहे हैं उसको तरतीब से जब तक नहीं लिखते तो वो लिखा हुआ किताबी शक्ल में कन्वर्ट नहीं होता। आपके पास किताब का अनुमान होता है, फिर फरिश्ते अनुमानात होती है, फिर आप उसको चैप्टर की शक्ल देते हैं। तो ये जो किताब है, ये आपका सोच विचार का एक तरतीबी फॉर्मेट है। जब इस फॉर्मेट को डिस्टर्ब करेंगे तो वो किताब नहीं कहलाएगा। किताब बेसिकली एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट को बोलते हैं, जिसके अंदर आपने अपनी सोच विचार किताबों तरतीब के साथ, जो रिकग्नाइज्ड तरतीब है किताबी, उस शक्ल में जब आप रखते हैं तो उसको किताब बोलते हैं। और इस्लाम का और मुसलमानों का किताब से तो वैसे ही बहुत गहरा ताल्लुक है, ज़ालिकल किताब बोला रहे। तो हमारी अपनी किताब भी आप देखें, अगर आप इल्म तफसीर भी पढ़ें तो सूरतों के दरमियान भी रब्त है, आयात के दरमियान भी रब्त है, और ख्यालात के दरमियान, कॉन्सेप्ट के दरमियान भी रब्त है। तो थिंकिंग स्किल्स के ऊपर कुछ लोग बाई नेचर बड़े अच्छे थाट ऑर्गेनाइज होते हैं दिमाग के अंदर, मगर अच्छा ऑथर बनने के लिए नंबर वन आप थिंकिंग स्किल्स पे पढ़ना शुरू करें, और अपने लाशौर को शौर की डायरेक्शन से उसको स्टडी करना, देखना शुरू किया। तो उसके लिए नंबर वन चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, खा वो स्टूडेंट हैं आप या उस्ताद हैं, अगर आपके पास एक नोटबुक नहीं है, आप A4 साइज़ की कोई भी नोटबुक ले लें। जिन्होंने इसको आदत के तौर पर अडॉप्ट करना है, वो अच्छी अच्छी किताबों से जो इक्तबासात मिलते हैं आपको, वो आप अपनी नोटबुक पर नोट करना शुरू कर दें। आपको तराशे के नाम से मुफ्ती तकी उस्मानी की किताब मिल जाएगी कि वो किताबों में से जो अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते थे उन्होंने उसको कंपाइल किया, उनकी बुक बन गई। तो अच्छा ऑथर बनने के लिए अच्छा कंपाइलर बनना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले ये पता हो कि जो नॉलेज अभी तक आप मुख्तलिफ किताबों से पढ़ चुके हैं, अगर आप उसको तरतीब लगाएं, जिस तरह अलमारी में तरतीब लगाते हैं, इसी तरह एक नोटबुक में अपने सफ़ों के अंदर एक मौजू को लेकर आप चलना शुरू करें, और नोटबुक के ऊपर आप लिखना शुरू करें। तो नोटबुक राइटिंग की या जर्नल राइटिंग की आप आदत अडॉप्ट करें, आपके पास एक नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए। रात को लिख लें, कोई एक दिन देख लें, सुबह फजर के बाद एक अच्छा टाइम होता है,
और रात को इशा के बाद, और हर आदमी का जो वार्म अप एक्टिव टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। समटाइम ये होता है कि मुझे जब कोई किताब लिखनी होती है तो मैं घर में नहीं लिखता, मैं क्या करता हूँ, मेरी जितनी किताबें लिखी हुई हैं या मैकडोनल्ड में लिखी हुई हैं या पिज्जा हट में लिखी हुई हैं और या किसी कॉफी शॉप में लिखी हुई हैं, और हाँ वहाँ शोर का अंदाजा आप लगा सकते हैं, KFC, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट और या कॉफी शॉप, ये चार जगहों पे मैंने अपनी बेहतरीन किताबें प्रोड्यूस की हुई हैं। और उसका मेरा तरीका ये होता है कि मैं अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसमें अपना जो पसंदीदा म्यूज़िक रखता हूँ, हेडफोन मेरे पास होता है, कॉफ़ी मैं ले लेता हूँ, अपने हेडफोन लगा के जो भी म्यूज़िक मुझे पसंद है सुनना होता है, जिससे मुझे अपनी इर्द गिर्द की डायरेक्शन से डिटैच होके मुझे उस म्यूज़िक में इमेजिनेशन में जाना पड़ता है और आपको ज़हनी इतकाफ़ में बैठना पड़ता है। कुछ लोग जिस्मानी इतकाफ में बैठते हैं कि वो एक कमरा चाहते हैं, पुरसकून एनवायरनमेंट हो, कुछ भी ना हो, और उसके बाद वो लिखना पसंद करते हैं, हर एक की अपनी आदत होती है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में नशेबो फराज इतने होते हैं कि उनको पुरसकून कमरा किस्मत से ही मिलता है। उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ज़हनी खलबत में बैठने की आदत डाल दें। अगर आपको जलवत में खलवत मिलने की आदत पड़ गई तो आप जहां बैठेंगे वही आपका मसल्ला, वही आपका दरबार, वही आपका स्टूडियो, वही आपका स्टडी रूम बन जाएगा। मैंने जब ये पहली किताब पढ़ी थी, ये वाली, जब इसका मेरे पास मैन्युस्क्रिप्ट आ गया था, तो आप यकीन कर सकते हैं मैं लाहौर इस्लामाबाद से बैठा था ट्रेन में, 6 बजे वाली जो नॉनस्टॉप चलती है लाहौर के लिए, 4.5 घंटे का सफर था, उसमें ट्रेन हिलती इतनी है कि आप टेक्स्ट के ऊपर नजर जमा के नहीं बैठ सकते। तो मैं 4 घंटे खड़ा होके, तो जो ट्रेन का डिब्बा होता है, जो AC पार्लर होता है, उसके साइड पे खड़ा होके बाहर, तो टेक लगा के, तो अपनी बॉडी की मूवमेंट को और किताब के मुसद्दे की मूवमेंट को म्यूजिक लगा के, तो एक तरह से साइकोलॉजिकली डांस करते हुए मैं अपनी नज़र की मूवमेंट को और टेक्स्ट को सिंक्रोनाइज करके, तो मैंने पूरी किताब 4 घंटे में इसकी प्रूफ रीडिंग कर ली थी। तो लाहौर के स्टेशन पे जब मैं उतरा था तो मैंने पूरी किताब भी पढ़ ली थी, तो मुझे पता नहीं चला 4 घंटे गुजरे कैसे हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनको ज़िंदगी में सुकून या आराम या ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिली हों। जो मेरी पहली किताब थी मौलाना रूमी की, तो किसी एक ज़माने में मैं जॉबलेस हो गया, तो मैं अब इंटरव्यू देने के लिए गया कहीं, तो वहाँ पे इंटरव्यू दे दिया, जून जुलाई के महीने थे, लाहौर में था उस वक्त मैं, तो इंटरव्यू देने के लिए जब मैं पहुँचा हूँ तो पैसे थोड़े थे, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं कुछ खा लूँ या फिर मैं वैन का किराया दे दूँ। और साथ मेरी बचपन से एक आदत है कि मेरे पास हमेशा एक बैग होता है, शोल्डर बैग, उसमें मेरे हाइलाइटर्स होते हैं, पेन होते हैं, रबर होता है, कच्ची पेंसिल होती है, और उसमें कोई ना कोई किताब होती है। तो ज़िंदगी में मैंने शायद ही कोई दिन ऐसा गुजारा हो जिस दिन मेरे बैग में किताब ना हो। पढ़ी होती है, बेशक सारा दिन ना पढ़ो, मगर वो इसलिए होती है कि जब कहीं मौका मिले बैठ के परेशान होने की बजाय किताब खोल के आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर लें। तो वो जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो जून जुलाई के महीने थे, तो उस वक्त ये घड़ी शॉप लाहौर में मैकडोनल्ड हुआ करता था, LDA प्लाजा में, बेसमेंट में। तो जून जुलाई की गर्मी में मैं फिर उधर LDA प्लाजा के मैकडोनल्ड में चला गया, वहाँ बैठा, वहाँ थोड़ी सी मैंने कोक वगैरह खरीदी, चले थोड़ा, तो मेरा वहाँ बैठने का सिर्फ ये पर्पस है कि AC में कुछ देर बैठ जाऊँ ताकि धूप की तपिश कम हो तो ठीक हो जाऊँ। वहाँ पे मैंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी का नुस्खा निकाला और वो पढ़ना शुरू कर दिया। पर्पस मेरा ये था कि मैंने 2-3 घंटे धूप से बच के AC में बैठना, किताब पढ़ना पर्पस नहीं था। तो मेरे पास आदत होती है कि मैं पेंसिल ले लेता हूँ और जो जो जुमले मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनको टिक मार्क करता रहता हूँ। तो मैं 3 घंटे मैकडोनल्ड में गर्मी से बचने के लिए AC में बैठा और 3 घंटे मैंने सिर्फ मसनवी पढ़ी और 200 के करीब मैंने हाइलाइट्स लगाई लाइनों को। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे मरी में एक जॉब ऑफर हुई। तो जॉब ऑफर मरी में जो हुई तो उसके लिए फिर मुझे खर्चा पानी चाहिए था, तो हालात बिल्कुल ही फारिग थे। तो मेरे मैं क्या करता था कि वो जो नोट्स थे हाइलाइटर टाइम गुजारने के लिए, मैंने वो चिट्टें बनाई हुई थी, तो 200 चिट्टें जमा थी मौलाना रूमी की कोटेशंस की। तो अब मुझे पैसे चाहिए थे मरी जाने के लिए, तो मैंने एक दोस्त पब्लिशर से बात की, उसने मुझे किसी से मिलवाया पब्लिशर से, उसने कहा जी ये मौलाना रूमी, मैंने कहा ये मेरे स्टडी नोट्स हैं,
तो उसने कहा आप ये दें, मुसद्दा मुझे दे दें तो मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने वो 200 पर्चियाँ जो थी उसको मैंने सेल की मुसद्दे के तौर पर, उससे जो पेमेंट मिली वो मेरा किराया था मरी जाने का लाहौर से। तो जब मैं मरी पहुंचा, जॉब मैंने की, तो एक महीने बाद मेरे जो परेशानी में धूप से बचने के लिए एसी में बैठ के स्टडी नोट्स थे वो किताबी शक्ल में छप के आ गया। वो मेरी पहली किताब थी, उसका नाम था नगमाए रूमी। जब वो पहली छप के आई तो अब मेरे पास जॉब थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपने स्टडी नोट्स मुसीबत में परेशानी में किए हुए मेरी किताबी शक्ल आ गई। फिर उसके बाद थोड़ा सा हौसला हुआ कि अब मुझे पता चल गया किताब कैसे छपती है और किताब छपने के बाद फीलिंग्स क्या होती हैं। तो आप ये अंदाजा करें कि वो जब छपी है उसके बाद जब दूसरी किताब लिखी है, मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर आप सिस्टमेटिकली किताब लिखने के चक्कर में जाएंगे तो शायद आप जिंदगी में एक किताब ही लिख पाएं। किताबें जितनी भी लिखी गई हैं, जिन्होंने भी लिखी हैं, वो जिंदगी के नशेबो फराज से गुजरते हुए ऐसी ऐसी जगहों पे तख्लीक हुई हैं जहां आप तस्वुर नहीं कर सकते। किसी आप बड़े बड़े ऑथर्स को देख लें जहां पे उन्होंने लिखी हुई किताबें। इमाम अलमोजमुल कबीर नाम है किताब का, 38-39 जिल्दों में है, हमारे फिका की किताब है। तो जो जिन्होंने लिखी है इमाम ने, उनको हाकम वक्त ने कुएं में कैद कर दिया था, 2-3 साल हो रहे हैं। तो वो क्या करते थे, कुएं में बैठ के, मेरे जैसा बंदा तो परेशान ही होगा या बीमार हो जाएगा, तो उनके शागिर्द आगे कुएं के इर्द गिर्द बैठ जाते थे, साथ पहरेदार भी होते थे, और वो नीचे से इमला करवाते थे किताब। 2 साल की कैद में 36 जिल्दों पर मबनी कुएं की कैद में से अंदर जुबानी वो इमला कराते थे और 22 स्टूडेंट बैठ के उसको लिखते थे। तो वो जो 36-38 जिल्दों में मोटी फिका की किताब है वो इस तरह से लिखी गई थी। इसी तरह से बहुत ज्यादा उलमाए कराम हैं। एक हमारे उलमाए कराम थे, यानी इस पे मेरा एक किताब भी है, हमारे इस्लाफ की इल्म दोस्ती और शान खुददारी, यानी एक रेफरेंस की एक्यूरेसी चेक करने के लिए वो बगदाद का सफर किया था 80 मील पैदल, ताकि मैं जो लिख रहा हूँ उसकी एक्यूरेसी और उसकी जो चीजें, इमाम बुखारी का सफर है वो आप देख लें। तो किताब लिखना, ऑथर बनना और मुसीबत परेशानी, ये तीनों जब तक जमा ना हो किताब वजूद में नहीं आती। और ऑथर बनने के लिए और किताब लिखने के लिए, इन दोनों की फाउंडेशन मुसीबत और परेशानी है। अल्लाह ने जिसको जिससे किताब लिखवानी है उसको आजमाइशों और परेशानियों से गुजारता है ताकि उसकी सोच में और उसके लिखने में हुसन पैदा हो। ये जो जुमलों का इंतखाब और लफ्जों का इंतखाब और जुमलों की तरतीब का जो शऊर है, ये पढ़ने लिखने से नहीं आता, ये जिंदगी को फेस करने से आता है। जब आप जिंदगी को फेस करना सीख जाए, आपको किसी गलत लफ्ज को बोलने का खमियाजा भुगतना पड़ जाए, तो जिंदगी भर आप उस लफ्ज को दोबारा लिखने में एहतियात बरतेंगे। और जिसको लफ्ज बोलने का खमियाजा नहीं भुगतना पड़ा, उन्होंने ऐसे लफ्ज किताबों में लिखे, मुआशरे में फितना और फसाद भी पैदा किया हुआ है। तो बहुत सारी किताबें अगर आप देखें आज भी, तो वो उनके ऑथर्स वफात पाए कई साल हो गए, कई 100 साल हो गए। मौलाना इमाम गजाली को देखें, मौलाना रूमी को देख लें, और बहुत सारे ऑथर्स को देख लें, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनकी किताबों से इस्लाम जिंदा है। कुरान और हदीस तो है ही है, मगर उनकी जो इंटरप्रटेशन है उससे कम्युनिटी जिंदा है। तो उनके लिखने में इतनी बरकत है कि किताब ने ऑथर को ही नहीं बल्कि हर दौर की सोसाइटी को अपने पढ़ने वालों के जरिए से जिंदा रखा हुआ है। तो किताब लिखना एक बिल्कुल एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और डिवाइन फन भी है। इसमें दो चीजें आप जहन में रख लीजिए, डिवाइन कनेक्शन पहले सीख लें कि कैसे एस्टेब्लिश होते हैं, उस डिवाइन कनेक्शन से डिवाइन परसेप्शन डेवलप होंगे आपके। आप जो ऑथर है वो उसी तरह देखता है जिस तरह एक आम आदमी पढ़ने वाला देखता है, मगर ऑथर को आम आदमी की निस्बत ये एज हासिल होता है कि ऑथर देखकर उस नुक्ते तक पहुंच जाता है जिसको आम आदमी देखकर नहीं पहुंचता। तो ये जो डिवाइन परसेप्शन है ना, कि रोजमर्रा मुशाहदे के पीछे डिवाइन प्लान को देख लेना और डिवाइन इंस्ट्रक्शंस को पा लेना। आप किसी परेशानी में बैठे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि मसला कैसे हल करना है, और आप किसी खोखे पे चले गए हैं चाय पीने के लिए, किसी दोस्त से मुलाकात कर ली है जो बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ जाहिल है,
तो वो कोई जुमला ऐसा बोल देगा या आपसे मशवरा कोई आपको ऐसा दे देगा जिससे आपको अचानक लगेगा कि ये बात तो मैंने सोची नहीं। तो आपकी वही बात जो उसने बोली होती है वही आपके मसले का हल होती है। अब अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है और उस डिवाइन कनेक्शन से डिवाइन परसेप्शन आपका एस्टेब्लिश है, तो आप उस बोलने वाले के पीछे बोलने वाले बुलवाने वाले की जात को समझ जाएंगे कि ये बात वो आदमी नहीं कर रहा बल्कि उसके पीछे खुदा ताला उस आदमी के जरिए आपसे हम कलाम हो रहा है। तो जब आपका ये डिवाइन परसेप्शन डेवलप हो जाए तो आपके अंदर का यानी ये अंदर के राइटर की को पहचानने के तरीके हैं। अगर आपके अंदर ये शऊर है ये सारी चीजें हैं तो फिर आप बाई बर्थ राइटर भी हैं और आगे चल के हो सकता है अल्लाह ताला आपसे लिखने का काम भी ले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किताब के डेवलपमेंट के फॉर्मेट और प्रोसेस को समझ लिया, तो मेरे नजदीक वो पब्लिशर्स हैं ऑथर्स नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक प्रोफेशनल आदमी है और एक स्किल्ड वाला आदमी है, तो स्किल्ड वाला आदमी कारीगर है प्रोफेशनल नहीं है, जबकि प्रोफेशनल आदमी स्किल्ड भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल आदमी को अपना काम लेने का और देने का तरीका मालूम है, उसका हुस्ने अखलाक भी है, तमीज भी है, तहजीब भी है। इसी तरह अगर किताब लिखने के प्रोसेस में अगर आप लिखने के प्रोसेस को समझ गए हैं तो आप एक प्रिंटर हैं, आप एक पब्लिशर हैं, राइटर नहीं अभी बने। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंटेंट को, मैं बहुत पाकिस्तान में ऐसे बड़े नामवर मायानास नावल निगारों को जानता हूं जो रोजनामा अखबार, रोजनामा जंग, रोजनामा मशरिक अखबारों की कटिंग्स को जमा करके कंपोजर को देते हैं कि इसमें मैंने छोटे छोटे से जुमले लगा के तो मुख्तलिफ खबरों को इकट्ठा कर दिया है, तो आपने बस इसको कंपोज कर देना, ये आपकी किताब का एक चैप्टर, ये तजिया निगारों का ये किताब है आपकी। अब आपका दिलचस्प पहलू ये है कि लफ्जों को जमा करने वाला और उन लफ्जों को जमा करके जुमलों की तरतीब देके और फिर उसको किताबी शक्ल में छपवाने वाला ऑथर नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर कोई मसनद खिलाफत पे बैठने वाला पीर नहीं होता, कुछ लोगों को विरासत में चीज मिल जाती है तो बैठ जाते हैं। इसी तरह अगर कोई सीईओ की पोजिशन पे बैठ जाता है तो पोजिशनल पावर और चीज है और बाई नेचर सीईओ होना और चीज है। तो ऑथर्स में भी बड़ी कैटेगरीज होती हैं। तो मेरा जो इसको आप यूं कह लीजिए जिस पे ज्यादा अभी तक मैंने फोकस दिया, इसको थोड़ा समराइज करते हुए, पहले आप अपनी तबीयत को जायजा लें। अंदर वाला आदमी अगर ऑथर नहीं बना तो बाहर वाला आदमी जबरदस्ती ऑथर बनाएंगे तो अंदर वाला मरेगा या बाहर वाला मरेगा, आपकी शख्सियत दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, ना आप अंदर वाले के काबिल रहेंगे ना बाहर वाले के काबिल रहेंगे। बहुत सारे लोग पैसे पैसे लिखने के लिए किताबें बनाते हैं, उनके पीछे लॉबी होती है, उनके पीछे पब्लिशर से रबते होते हैं, अंग्रेजी किताबों की उर्दू तर्जमे करते हैं, उसमें थोड़ा सा तड़का लगाया, अपना नाम लगाया, वो छप गई और वो बिक गई। तो बहुत सारे पब्लिशर्स को ऐसे ऑथर्स की तलाश होती है जिनको जिससे वो पैसे कमा सकें। मेरी ये किताब है सीरतुन्नबी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और इसका ये एजाज हासिल है कि ये मस्जिद नबी में बैठ के मैंने लिखी थी। और अब इस किताब का एजाज ये है कि ये मक्का लाइब्रेरी में जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है वहाँ ये किताब एंटर हुई हुई, उर्दू की पहली किताब है कि मैंने सारा दिया इसको स्टैम्प से। सऊदी घास नहीं डालते किसी आम अजमी की किताब, खास तौर पर पाकिस्तानी की लिखी हुई, तो ये गवर्नमेंट ने अप्रूव करके तो मक्का लाइब्रेरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये रखी हुई है किताब। मैं इसको बतौर तबरुक अपने पास रखता हूँ, और मैंने जब मदीना पाक गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहली हाजिर हुई तो मैं ये ले गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, दोनों किताबें ये मैंने खाना काबा में अल्लाह की बारगाह में पेश की थी, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मजे की बात बताऊं, ये जानते हुए भी कि ये किताब मस्जिद नबी में लिखी गई है और ये जानते हुए भी इसका मुकाम क्या है, कहाँ रखी हुई है, पाकिस्तान में जब किसी से बात करें ना छपवाने की तो वो कहते हैं जी आप कितने पैसे देंगे। यहाँ लोगों के जो पीरों की किताबें छपती हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, पीरों की लगा लें या किसी प्रोफेशनल की लगा लें, वो इसलिए अकीदत में छप जाते हैं कि उनको पता है इनका हल्का है मुरीद कितने बड़े हैं, फटाफट 1100 कॉपियां बेच जानी। तो जितने एक और सेकंड चीज, जितने आप नसीम हजाजी तक की आप बीती पढ़ लें, आप ऑटोबायोग्राफी तसद्दुक हुसैन राजा साहब ने लिखी है, उनका पहला तारीखी नावल छापता कोई नहीं था,
वो बिस्तर पे बीमारी की हालत में थे, तो पब्लिशर ने कहा जी मैं मुफ्त छाप लेता हूँ, रॉयल्टी शॉयल्टी को नहीं, उन्होंने कहा छाप लें। वो पहला नावल उनका हिट हुआ था, उसके बाद उनकी बिस्मिल्ला हुई थी। अनायतुल्ला का नाम सुना होगा आपने, महनामा हिकायत वाले, उनकी किताबें कोई नहीं छापता था। आप बड़े बड़े ऑथर्स की बायोग्राफीज पढ़ें, हम ऑथर्स की किताबें पढ़ते हैं, मगर आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ें कि उनकी किताबों के पहले एडिशन के साथ हाल क्या हुआ था, छापता कोई नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, इसी तरह मेरी ये दोनों किताबें जो है मैंने अपनी जेब से छापी हुई हैं, और ये दोनों मैं ये तो मस्जिद नबी थी ना, ये मैं सुबह इस्लामाबाद में काम करता था, तो दफ्तर में ऑफिस आवर्स के बाद बैठ के सारी कंपोजिंग मैंने खुद करवाई हुई इस किताब की। तो ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं, यानी आप समझें कि आपने किताब लिख ली है और पब्लिशर आपको हाथों हाथ लेंगे, कोई हाथों हाथ नहीं लेगा, ठीक है ना। ये वो मुआशरा है जो जहां क्रिएटिविटी किल होती है, तो क्रिएटिविटी किलर सोसाइटी में क्रिएटिव होके रहना ये एक बहुत बड़ा मौजा है, और फिर इंटरनल क्रिएटिविटी को एक्सटर्नल क्रिटिक से बचा के रखना ये दूसरा बड़ा मौजा है, और तीसरी बड़ी बात है कि अपनी क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को किताबी शक्ल में लाकर उसको प्रिंट करवा लेना, ये पहले दो बड़े मौजों से बड़ा मौजा है। आप कशफुल माजू पढ़ें हजूरदाता साहब की, वो कहते हैं मैंने इसका पहला मुसद्दा छापा तो कोई लेके भाग गया, फिर मैंने दोबारा से नई किताब लिखी थॉट प्रोसेस से। तो लोगों ने हजूर दाता साहब को नहीं बख्शा, तो हम और आप किस चीज की हैं। तो यहाँ आइडिया स्टीलर्स भी बहुत हैं, यहाँ पे मवाद चोर भी बहुत हैं, यहाँ तर्जमा करके अंग्रेजी किताबों को अपने नाम से छपवाने का रिवाज भी बहुत है। तो जब आप पर अल्लाह ताला किसी खास इनाम करता है जो आपकी प्योरली अपनी सलाहियत है, ठीक है ना, यहाँ देखें ना कि आप, मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ जब किसी के घर में अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजता है तो औलाद तो ठीक है, मैं जाके बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है, कल को कोई और क्लेम ना कर दे, डीएनए की सहूलत तो भी आई है ना। तो यहाँ अंदाजा कर लें कि आपने जब किताब, पहले तो आप खुद पब्लिशर बने अपने अंदर वाले ऑथर के लिए, अगर आप अपने अंदर वाले ऑथर के लिए खुद पब्लिशर नहीं है, उसको असिस्ट नहीं करेंगे कि वो आपके अपने अंदर वाले आदमी से दोस्ती करना नहीं सीखेंगे, विच मीन्स कि जब आपको खुद कलामी की अगर आदत है तो ये बीमारी नहीं है, ये नेमत है। फर्क सिर्फ इतना है ऑथर में और खुद कलामी करने वालों में, थिंकर में और ऑथर में फर्क ये है कि थिंकर थिंक करता है, वो जब इन राइटिंग ले आएगा तो वो ऑथर भी बन जाएगा, और अगर थिंकर ऑथर होगा तो उससे बेहतर ऑथर नहीं मिलना आपको मार्केट में, और वो फौत भी हो जाएगा ना तो इसकी किताब जिंदा रहेगी। यहाँ बहुत सारे ऑथर ऐसे हैं कि जिस दिन वो फौत हुए पब्लिशर ने किताब छापनी बंद कर देनी, क्योंकि वो अपने जलसों के लिए ले जाते हैं, अपने बाकी मामलात के लिए ले जाते हैं सारी चीजें, मगर इससे ज्यादा आगे नहीं जाते। तो मुराद ये है कि अगर आपने ऑथर बनना है, नंबर वन चीज आप समझ लें कि आपकी पूरी दुनिया आपकी अपनी जात है, आप अपनी अपने आप से हमकलामी शुरू करें, फिर टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, आपके पास पेन ऐसे होने चाहिए जिससे आपको लिखने में रवानी हो। आप हैरान होंगे मुझे बड़े बड़े मैंने महंगे पेन इस्तेमाल किए। अब आप पूछेंगे आपका फेवरेट पेन कौन सा है जो आपके थॉट प्रोसेस की स्पीड के साथ अपनी राइटिंग स्पीड मैच कर जाता है, तो पियानो पेन है 10 रुपए का, उससे बेहतरीन मैंने आज तक पेन नहीं देखा, उसका फ्लो नहीं रुकता इनका। मैंने 10,000-10,000 रुपए के भी पेन जो गिफ्ट में मिले हुए मैंने देखे हैं, खूबसूरत है, खूबसीरत नहीं है पेन, वो देखने में बड़े शानदार हैं, जब लिखने में आएंगे तो जगह जगह उनकी इंक रुकती है, जब वो इंक रुकती है तो फ्लो ऑफ थॉट प्रोसेस आपका डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि लिखा वो नहीं जा रहा होता है जो पहले से लिखा हुआ है, लिखा वो जा रहा है जो रिवील्ड हो रहा है, जिसका नजूल हो रहा है। तो नजूली कैफियत में अगर आपका पेन राइटिंग के फ्लो में अगर आपके हाथों और दिमाग के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होता तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा थॉट प्रोसेस का। तो मेरा एंटायर जो ऑथरशिप का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें 10 रुपए का जो पियानो है उसका नेमल बदल आज तक मुझे नहीं मिला। उसके बाद फिर आप छोटी छोटी नोटबुक्स लेके रख लें, आप यकीन जानिए मेरे जो छोटी छोटी नोटबुक्स 10-10, 15-15 साल पहले लिखी हुई थी, उसको मैं जब दोबारा देखता हूँ तो उनमें से मैं अपने ट्रेनिंग सेशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि 10-15 साल थॉट प्रोसेस तब थी जब मैं परेशान होकर लिख रहा था कि हो क्या रहा है, अब उस वक्त क्या हो रहा है, उस वक्त की फीलिंग रिकॉर्डेड है मेरे पास। अब मैच्योरिटी के बाद जब मैं उन फीलिंग को दोबारा देखता हूँ तो मैच्योर फीलिंग्स और फर्स्ट टाइम की फीलिंग को मिला के या कोई किताब वजूद में आ रही होती है या नया ट्रेनिंग सेशन वजूद में आ रहा होता है।
जब आप एज अ ट्रेनर भी, जो लोग ट्रेनर का काम करते हैं, आप ट्रेनिंग में हर चीज पढ़ी हुई नहीं बयान कर सकते। अगर आपका जो नजूली कैफियत वाला फिल्टर अगर ऑन नहीं है आपका, अगर आप हर वक्त हालत हजूरी में नहीं रहते अपने मौजू के साथ कनेक्टिविटी की शक्ल में या खुदा के साथ, तो हालत हजूरी में रहे बगैर जब आप पढ़ते और बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि वो कट एंड पेस्ट से बोल रहे हैं। इमाम गजाली का बड़ा अच्छा है वाक्या मैं आपको बताता हूँ ऑथरशिप के हवाले से। वो कहते हैं कि मुझे रस्ते में डाकू पड़ गए, तो डाकुओं ने मेरा सामान भी सारा लूट लिया। उस सामान में सारे मेरे नोट्स थे। तो आपने जाके डाकुओं के सरदार से रिक्वेस्ट की कि भाई पैसे रख लो और ये मेरा ट्रंक जिसमें मेरे नोटबुक्स हैं, रिटन मटीरियल है थॉट प्रोसेस का, ये मुझे वापस कर दो। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि तुम कैसे आलिम हो कि तुम्हारा सारी उम्र की कमाई तो एक डाकू दो मिनट में लेके जा रहा है, तो तुम परेशान होगे। इमाम गजाली के लफ्ज हैं कि उस दिन मैंने अकल पकड़ी कि नॉलेज वो नहीं है जो आपने लिखा हुआ है, नॉलेज वो है जो आपके दिमाग में है। इसलिए कुरान पाक की हिफाजत में हिफ्ज से काम लिया है। सारी कापियां भी गायब हो जाए तब भी कुरान दुनिया से गायब नहीं होगा। तो वो मुराद ये है कि आपके अंदर का जो इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट है, अगर अच्छा तालीमुल मुतल्लिम किताब पढ़ लें, इमाम ज़रनूजी की है टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर, 800 साल पहले लिखी गई है, उसको उर्दू तर्जमा कौमी कुतब, ये कौमी जुबान वाले जो मुक्तदरा कौमी जुबान वाले, इन्होंने किया हुआ है, छोटी सी किताब है। मैंने ऑथर कैसे बनना है, मैंने उस किताब से सीखा। उसमें इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि जब ऑथर, जब आप वो लिखी तालिब इल्मों के लिए है और टीचर्स के लिए भी, तो इंस्ट्रक्शंस वही है लिखने लिखाने और पढ़ने पढ़ाने की। वो कहते हैं कि नंबर वन चीज ये है कि जब आप पढ़ने बैठें या लिखने बैठें तो बावजू होके बैठें, हर किताब एक इंसान की तरह ट्रीट करें कि वो किताब नहीं है, वो मुसन्निफ आपके साथ है। हत्ता के यहां तक किताबों में लिखा है, बुजुर्गों ने कहा है कि जिस कमरे में किताबें हों वहां नंगे होके कपड़े ना बदले, कि वो सारे मुसन्निफ आपको देख रहे हैं। तो जिस तरह किताब पढ़ते हुए आप मुसन्निफ से रूहानी तौर पे मुंसलिक हो जाते हैं, कुरान पढ़ते हुए अल्लाह से मुंसलिक हो जाते हैं, हदीस पढ़ते हुए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाते हैं, ऐसे नहीं बुजुर्गों ने हदीस तैयार होके गुसल करके वजू करके हदीस पढ़ाते थे, क्योंकि वो हालत हजूरी में होते थे उस वक्त। तो हालत हजूरी में लिखने और पढ़ने का अमल अगर पाकिजा नहीं होगा तो आप ऑथर बनना तो दूर की बात, आप अच्छे रीडर भी नहीं बन सकेंगे। बहुत सारे लोगों को किताबें बाथरूम में पढ़ने का शौक होता है, अंग्रेजी फिल्म में देख देख के रिवाज के तौर पे। तो बदबूदार एनवायरनमेंट में क्या दिमाग में आपके जाएगा। तो आप अपना एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रखें, आप अपने टूल्स जो हैं वो साफ सुथरे रखें, आपके पास पता हो कि कौन सा पेन आपको कहाँ काम आएगा। तो मेरे पास मुख्तलिफ कलर्स के पेन भी हैं, हर तरह के हैं। फिर किताबों को यानी ऑथर बनने के लिए, यानी वो जो आपके मिजाज और तबीयत की आदतें अडॉप्ट करना है जिससे आपको एक राइटिंग एनवायरनमेंट मिल जाएगा, मेंटल राइटिंग एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। किताबों को साफ सुथरे अंदाज से रखने का सलीका सीख लें, किताबों को साफ सुथरा रखने का सलीका सीख लें, किताबों के कमरों को साफ सुथरा रखने का सलीका सीख लें। किताब को पकड़ कर, अगर आपने ये जानना हो ना कोई आदमी कि ये बाई नेचर ऑथर है या ये प्रोफेशनल ऑथर है, तो जो आदमी किताब पढ़ रहा हो ना, आप उसका सफा पलटने के अंदाज को देखें। अगर वो सफा इस तरह से पकड़ रहा है, ये पेज को फोल्ड करके, तो वो मिजाजन और तबीयन ऑथर नहीं है। छोटे बच्चे का हाथ, जो जिसका दिल नरम मिजाज होगा, नफीस होगा, वो बच्चे का हाथ भी प्यार से पकड़ेगा। इसलिए बच्चे जब को बच्चे को उठाता है तो बच्चा हाथ के लम्ब से फील कर लेता कि मैंने इसके पास जाना या नहीं। तो जिस आदमी को कागज का वर्क पलटने की नफासत और तमीज नहीं है, उसका पढ़ने लिखने ऑथर्स होने से क्या ताल्लुक है? उसने सिर्फ जिंदा रहने के लिए कमाई के तौर पर है। जिस तरह पब्लिशर की दुकान पर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं, किताब छाप रहे हैं मगर किताब से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह बहुत लिखारी ऐसे हैं, वो लिखने को एज अ स्किल के तौर पे ले रहे हैं मगर लिखने लफ्जों के साथ, जुमलों के साथ उनका कोई रूहानी रिश्ता नहीं है। और
जो जेन्युइन और मैं सिर्फ तबीयतों की अभी बात कर रहा हूँ, जब मौजूद ऐसा मैंने शुरू में कहा था ये बेतरतीबी सी कोशिश करेंगे तरतीब आ जाए आपको डिफरेंट आइडियाज देके इस मौजू के जो साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है मैं सिर्फ वही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसका जो ऑथर बनने का सिस्टमेटिक तरीका है वो फिर लंबा हो जाएगा, टाइम भी थोड़ा है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ आपको ये नजाकत पता चल जाए कि ये कितना रूहानी पाकीजा और सेंसिटिव मौजू है। और आप ये देखने लिखने का जो थॉट प्रोसेस है, किताबत किया करते थे सहाबा कराम वही है कुरान की, तो वो जो लिखने का एक प्रोसेस है वो सुन्नत भी है बशर्ते आप उसको उस सेंस में लेके चलें। तो मेरे पास कोई किताब बेशक कोई लीडरशिप मैनेजमेंट की है, किसी अंग्रेज की लिखी हुई है, किसी मुसलमान की लिखी हुई है, मेरी ज़ाती आदत है इतनी पुख्ता है कि मैं कोशिश करता हूँ हर वक्त वजू की हालत में रहूँ ताकि किताब को छूँ भी। तो वो इसलिए कहते हैं कि वजू में आप एक रूहानी एक नूरानी एक कैफियत डेवलप होती है स्पिरिचुअली, और जब आप इल्म हासिल कर रहे हैं तो इल्म भी सरासर नूर की कैफियत होती है। तो नूर से जब नूर मिलता है तो आपको लिखने के जो इंटरनल आपको चीज़ें चाहिए रीडरशिप के लिए वो भी आपकी डेवलप हो जाती हैं, पॉलिश हो जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा बाहर के मुल्कों में जब आप बुक शॉप्स पे जाते हैं तो कॉफी शॉप्स बुक शॉप्स के अंदर होते हैं, आप कॉफी खरीदें किताब से अलमारी से किताब निकालें बेशक सारे दिन बैठ के पढ़ते रहें, अगर आपने जाते हुए पसंद आई है खरीदनी है तो आप पेमेंट करके ले जाएं, वरना अंदर यानी एनवायरमेंट ऐसा वो देते हैं कि आप किताब को बजाते खुद एक पूरी एक लाइफ की टोटैलिटी के तौर पे परसीव कर सके अज्यूम कर सके। फिर उसके बाद एक और मैं आपको टिप देता हूं, अगर आपने अच्छा ऑथर बनना है तो आप अच्छा रीडर बनने की कोशिश करें। लोगों को पढ़ने के फन का नहीं पता, लिखना तो बड़ी दूर की बात है। आप मुख्तलिफ ऑथर्स को देखें कि उन्होंने इमाम अबू हनीफा का कहते हैं कि बेटे जब तुम लिखते हो ना तो लिखने में अच्छी खुद खुशखत अंदाज से लिखा करो। वो कहते हैं बेटा जो लफ्ज है ना ये मान और मफहूम का लिबास है, तो अगर तुम मान और मफहूम को अच्छा लिबास नहीं पहनाओगे तो ये दूसरे लफ्जों की सोबत में जचेगा नहीं। जिस तरह हम किसी महफिल में जाते हैं तो जिस तरह की सीरियस और इम्पॉर्टेंट महफिल होती है उसी तरह का लिबास ज़ेब-तन करते हैं ताकि हमारे लिबास को देख के हमारे शख्सियत के मुतल्लिक लोग को तासुर कायम कर सकें, हमें अपनी नेटवर्क प्रोफेशनल नेटवर्किंग इम्प्रूव करने का मौका मिले। तो जिस तरह हमारी आउटर एक्सपीरियंस पे हम फोकस करते हैं ताकि हमारे इनर पर्सनैलिटी के मुतल्लिक लोग अंदाज़ा लगा सकें और एक पॉजिटिव अंदाजे की बुनियाद पर आगे बात चल सके, इसी तरह मान और मफहूम की ड्रेसिंग लफ्ज है। अगर आप अच्छे लफ्जों का इंतखाब करना नहीं जान सकेंगे, अगर आप तनकीद करने में नफासत का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप किसी को समझने समझाने में लफ्जों की तरतीब लफ्जों का इंतखाब और जुमलों की तरतीब की तरफ नहीं जाएंगे तो आपका इसलाह का प्रोसेस नेगेटिव क्रिटिसिज्म कंसिडर होके तो जो आप मकसद हासिल करना चाह रहे हैं वो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। ठीक है, तो आप ये देखें कि लोगों को आजकल जब लफ्ज लिखते हैं तो उन लफ्जों के इंतखाब में ये नहीं समझते कि आगे पढ़ने वाले पे तासुर क्या जाएगा। आप यही देखें सूरह बकरा में कि रायना ना को, ठीक है ना, वो मुराद ये है कि किसी लफ्ज से शायबा भी हो दिल शकनी का तो आप वो भी इस्तेमाल ना करें, इस हद तक सेंसिटिव हों बोलने में और लिखने में। तो वो कुरान पाक की आयत का फिलॉसफी आप देखें बड़ी शानदार है कि मुराद एक लिखने में हत्ता कि हजरत सलाम की बारगाह में जब हाजिर हों, तो आज भी आप जाके देखें कुरान पाक की आयत है कि आप हजरत सलाम की बारगाह में जब जाएं तो आप अपनी आवाज को धीमा रखें। देखें एज अ प्रोफेशनल स्पीकर जुमलों लफ्जों का इंतखाब जुमलों की तरतीब ये आपका बोलना है और आपके आवाज के उतार चढ़ाव से आपकी तबीयत और तरबियत का पता चलेगा। लफ्जों के इंतखाब जुमलों की तरतीब और उसके उसके उससे आपको पता चलेगा आप पढ़े लिखे कितना हैं, यानी इस फन की जो टेक्निकलिटीज हैं उससे कितना वाकिफ हैं, और आवाज के उतार चढ़ाव से पता चलेगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी तरबियत तमीज और तहजीब किस तरह से हुई है। तो जब आप लिखने में आएंगे तो लिखने में जुमलों का इंतखाब सॉरी लफ्जों का इंतखाब और जुमलों की तरतीब से पता चल जाएगा कि आपकी इस मौजू पर एकेडमिक ग्रिप कितनी है, आपके इल्म की गहराई कितनी है।
मगर जो बात भी आप लिख रहे हैं उसको आप तड़का लगा के लिख रहे हैं, चस्का लगा के लिख रहे हैं, ये तमीज और तहजीब के साथ नफासत से लिख रहे हैं, इसको कहते हैं राइटिंग स्टाइल। तो राइटिंग स्टाइल से आपका आपका खानदानी, आपका जो बैकग्राउंड है उसमें आपने कितनी तमीज सीखी है, कितनी तहजीब सीखी है, तो ये चीजें वहां से पता, राइटिंग स्टाइल से आपकी तमीज और तहजीब और तरबियत का पता चल जाएगा, और जो लिखा जा रहा है उससे आपकी इल्म की गहराई का पता चल जाएगा। तो अगर आपकी तबीयत में तमीज और तहजीब नहीं है तो तहरीर में कहां से लाएंगे? अगर आपका अपने घर का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है और वो आपकी तबीयत में नहीं आया तो ये शौर कहां से लाएंगे कि ये लफ्ज बोलने के नेगेटिव असरात हो सकते हैं, क्योंकि आप घर में नहीं बोलते। जब घर में एक चीज की आदत पड़ी होगी तो आप सबके लिए जायज समझेंगे। तो आप अंदाजा लगाएं, ऑथर बनना ये स्किल नहीं है, इसका ताल्लुक आपके माँ बाप से शुरू होता है कि उन्होंने बच्चा ऑथर पैदा करना है या नहीं करना। तरबियत अच्छी होगी, ठीक है, घर का माहौल अच्छा होगा, तो वो माहौल और तरबियत वो आप किसी भी स्किल में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें एक्सेल हो जाएगा। तो बच्चों को जब आप छोटे छोटे होमवर्क कराते हैं स्कूल का, तो मैं अपने बच्चों को जैसे करवाता हूं तो मैं उनको मुख्तलिफ पेंस का बताता हूं कि आपने कौन कौन से मैन बेटा इस्तेमाल करने हैं, किताब आपने कैसे रखनी है, ठीक है, आपने लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। मैं आप जाने मार्केट में जाएं तो लोग इरेजर जो होता है ना रबड़ बच्चों के लिए खरीदते हैं, वो कॉस्ट के ऊपर नजर रख के खरीदते हैं कि 5 रुपए का या 2 रुपए का। मैं 10 या 15 रुपए वाला लेता हूँ मुख्तलिफ डिजाइन के साथ, कलर कॉम्बिनेशन के साथ, कि इरेजर तो है ही है मगर उसके साथ ये कोशिश करें कि वो उसकी एक दिलचस्पी और साइकोलॉजिकल अटैचमेंट भी पैदा हो जाए। जी ताहिर साहब, डॉक्टर साहब 5 मिनट अगर आप कंक्लूड कर लें तो उसके बाद मैं चाहूंगा कि आधा घंटा हम क्वेश्चन आंसर में जी ठीक है जाते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे जहन में हैं। जी ठीक है, तो मैं इसको कंक्लूड करते हुए ये गुजारिश करूंगा कि नंबर एक बात तो ये है कि आप अपने अगर इफ यू वांट टू बिकम एन ऑथर तो आप ये देखें कि आप अपने इंटरनल एनवायरमेंट का जायजा लें कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। अगर आपके अंदर वाला बंदा उससे आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, ऑथरशिप जो है ये सेंसिटिविटी के बगैर नहीं मिलती, और सेंसिटिविटी अपनी जात से कनेक्ट होने का नाम है। हमारे यहाँ मुआशरे में सेंसिटिविटी के आप बहुत सेंसिटिव कह के बंदा ही मार देते हैं, हालांकि सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह पाक की तरफ से, इंसान अलर्ट होता है शौरी तौर पे। और उसके बाद जो इंटरनल एस्पेक्ट हैं, हैबिट्स हैं, आप ऑथरशिप की मुख्तलिफ हैबिट्स को देखें और उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दें। और उसके बाद नंबर वन चीज, आप पहले पढ़ने का फन सीखें। अगर आपको पढ़ने का फन आ गया तो उसी फन के अंदर 50% नहीं बल्कि 80% राइटिंग का फन भी शामिल है, क्योंकि जब आप किताब लिखेंगे तो आपने रीडर्स के लिए लिखना है, और जब आपको पता होगा कि किताब पढ़ी कैसे जाती है तो आप उसी फॉर्मेट को जेहन में रख के फिर उसी तरह से किताब लिखेंगे ताकि इसको पढ़ना भी आसान हो। आपको पता लगे कि की पॉइंट्स कैसे मैंने लिखने हैं, पुल कोट्स क्या चीज होती हैं, किताब का फॉर्मेट आपने कैसे रखना है, आपके उनवानात की हेडिंग कैसे। फिर होता क्या है कि एक वक्त आता है जब आप लिखते हुए एज अ रीडर लिख रहे होते हैं, होते आप ऑथर हैं मगर जब पेपर कलम पे लिख रहे होते हैं तो एज अ साथ साथ रीडर रीडर वाला एस्पेक्ट भी जागा होता है कि अगर ये बात मैंने इस तरह लिख दी तो पढ़ने वाले को गलतफहमी ना हो जाए, तो वो आप उसी वक्त मिटा के उसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं। आपने फुट नोट्स कैसे रखने हैं, आपको आसानी किस चीज में होती है। तो अगर आपको पढ़ने का फन पता है, जिसपे हाउ टू रीड अ बुक के ऊपर जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है बहुत ज्यादा, तो उससे आपको 80% समझे अगर वो समझ में आ गया और वो हैबिट डेवलप हो गई हैं तो वही रीडरशिप के लिए एक फाइनल स्टेज होती है। बाकी मुख्तलिफ जो हैबिट्स हैं रीडर्स की, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं लिखने की, कुछ तो आपके इंटेलेक्चुअल टेक्निक्स हैं, आप अपने जैसे थीसिस कैसे लिखते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो आप अपने असातिज़ा से वो इंटेलेक्चुअल थोड़ी सी प्रैक्टिस ले लें थीसिस लिखने की, तो आपकी एकेडमिक साइड और आपकी जो फॉर्मेटिंग साइड है वो किसी हद तक कवर हो जाएगी। बट जब आप बुक राइटिंग की तरफ आते हैं फिर आपको ये भी देखना होता है कि ये छपेगी तो खरीदेगा कौन, पब्लिशर का भी आपने सोचना होता है, फिर पब्लिशर से हैंडल होना, जिस तरह थीसिस राइटिंग में सुपरवाइजर को हैंडल करना चैलेंज है इसी तरह मार्केट में जाके पब्लिशर को हैंडल करना चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि जो किताब आप लिख रहे हैं ये आपने खुद छपवानी है। आप ये देखें आपने इस पे 1 लाख लगवा के 1000 किताबें छपवा ली हैं, तो अगर आप गरीब हैं तो आपने वो लाख रिकवर भी तो करना है। और ये देखें ये पढ़ेगा कौन, फिर किताब की मार्केट करने के लिए किताब की मार्केटिंग सेंस होनी चाहिए कि किताब
पढ़ी किस तरह जाती है, लिखी किस तरह जाती है और मार्केट किस तरह की जाती है। इसमें आपने पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है और ब्रांडिंग कैसे करनी है, नेटवर्किंग और ब्रांडिंग का आपको सारा पता होना चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के भी एक्सपर्ट हों आप, इनर कनेक्टिविटी भी आपकी स्टैब्लिश होनी चाहिए, आउटर कनेक्टिविटी भी स्टैब्लिश होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आप बायोग्राफीज पढ़ें ताकि आपको पता चले कि जितने बेस्ट राइटर हैं वो गुर्बत और परेशानी से निकले हुए हैं। किसी बहुत कम होगा जो आपको अमीर करीब खरबपति जो है वो किताब लिखे और उसकी मशहूर हो जाए, अनलेस कि वो बिल गेट्स हो, तो वो खुद भी नहीं लिखेगा, उसके एडिटर होते हैं लिख लेते हैं। तो अक्सर जो ऑथर्स हैं, आप ये देखिए जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा हुआ है, ये लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ था, और जब ये लिख रहा होता है कार्ल मार्क्स, तो उसके घर का रेंट नहीं पे होता और उसको खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो बास का लाइब्रेरी में दूसरे लोग मिलके तो उसके साथ लंच करता है, कोलेक्टिवली उनके लंच से थोड़ा बहुत खा लेता है। आप ये देखें बेस्ट किताबें किन एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होती रही हैं, तो जो एक कनेक्टिविटी थी अपने मौजू के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ, ये इमोशनल कमिटमेंट के बगैर नहीं होता। तो अगर आपको शौक है ऑथर बनने का, लास्ट जुमला बोल के फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा, अगर आपको शौक है ऑथर बनने का तो आप ऑथर नहीं बन सकते। ऑथर बनने के लिए आपको डेडली कमिटमेंट चाहिए। जब आप पहली दफा जिंदगी में पेपर और पेंसिल पकड़ेंगे तो जो शौक था वो 2 सेकंड में रफ हो जाएगा, आप ब्लैंक हो जाएंगे। ये यानी होता है, आरे के साथ होता है। फिर उसमें वार्म अप करना होता है अपने आप को, ताकि जो भाग गया उसको बुलाना भी है, कि आप जैसे वो बिल्ली भाग जाती है ना तो आप उसको प्यार से बुलाते हैं इसको, तो इसी तरह ब्रेन में जैसे ही आप कलम कागज पकड़ेंगे ना, वो देखेगा कि अच्छा पकड़ लिया हमें। हजरत सलातुल्लाम की है कि इल्म को कैद कर लिया करो, उससे वो महफूज हो जाता है। तो ऐसे नहीं कहा, वो देखता ना जैसे नॉलेज कागज कलम पकड़ के मुझे अब कैद करने के चक्कर में दौड़ लगा देगा, तो उसको पकड़ के कलम पे मुंतकिल करना कि उसको मुंतकली में तकलीफ ना हो, एहसास मुंतकली का। अंदर वाले बंदे को भी राजी रखना, जो ख्यालात हैं उसको भी राजी रखना। और एक बड़ी दिलचस्प लास्ट जुमला, उलमाए किराम कहते हैं तसव्वुफ में कि जब वो थॉट प्रोसेस होता है ना, तो वो ख्यालात किस डायरेक्शन से आया उससे पता चला लेते हैं कि ये इलहामी है या शैतानी है। तो जितने शैतानी ख्यालात हैं जब वो दिमाग में एंटर होते हैं ना, तो इतने चुकन्ने होते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट कि वो ख्यालात को दिमाग में एंटर होने की डायरेक्शन का पता चला लेते हैं कि अगर बाईं तरफ से आया तो शैतानी है, और अगर इलामी है इल्का हो अल्लाह पाक की तरफ से तो वो राइट साइड से एंटर होते हैं। तो वो इस हद तक सेंसिटिव होते हैं थॉट प्रोसेस के ऊपर। तो अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो डेडली कमिटमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। आपका कभी दरमियान में ये भी दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, लिखना बंद कर दूँ, ये सारी कैफियत होती हैं। जो काम इंसान की डेवलपमेंट का होगा वहाँ शैतान ज़रूर प्रेजेंट होगा, तो ये शैतानी कैफियत होती है, इनसे निबटना, इसको राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। अगर आप गूगल करेंगे यूट्यूब पे तो राइटर्स ब्लॉक को हैंडल करने की मुख्तलिफ तरीके और सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको राइटर ब्लॉक, यानी मैं वही बात करें, डेडली कमिटमेंट हो और इस फील्ड में आपका कोई मुर्शद हो जिसने पहले कुछ लिखा हो, और मुर्शद भी बंदे का पुत्र हो, तमीज़दार हो, यानी आपको अपने अंदर बिजी करने के बजाय सब्जेक्ट में और स्किल में आपको बिजी करें। बहुत सारे मुर्शद ऐसे भी हैं राइटिंग इंडस्ट्री में जिन्होंने सिर्फ चाय मंगवा के लोगों को ऑथर बनाया, उनको चाय बेचने के अलावा कुछ नहीं आता। और बहुत सारे ऑथर्स ऐसे हैं जैसे इलामा इकबाल के उस्ताद भी थे, अंग्रेज मुश्तरक थे, तो उन्होंने इलामा इकबाल के अंदर का इकबाल जलाया। तो अगर आप किसी के मुर्शद हैं तो कोशिश करें उसके अंदर के ऑथर को बाय का बेहद शुक्रिया। आई होप कि कुछ ना कुछ मिला होगा, क्योंकि ये मौजू इतना वसी है और इतना सिस्टमैटिक है कि यहाँ हम सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशंस कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाल के थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस वाजे कर सकते हैं, बट सिस्टमैटिकली इसको कैसे लेके चलना है वो सेपरेट टॉपिक है। थैंक यू सो मच। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो मोर देन वेलकम। जी कोई क्वेश्चन है हाजरीन में से, नहीं तो फिर मैं शुरू करूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद हुसैन है और मैं आजकल रिटायर्ड हूँ। तो जब रिटायर होने के बाद फिर जब मौका मिला तो कुछ, वैसे तो शुरू से ही कुछ इधर उधर की किताबें पढ़ता रहता हूँ, कुछ और भी पढ़नी शुरू की। ये जो आज नईम मुश्ताक साहब ने जो चीज़ें बताई हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में हम में से हर एक में किताब लिखने की तहरीक पैदा कर सकती हैं। बहुत सी टेक्निकल चीज़ें बताई इन्होंने, बहुत अच्छी बातें की।
थोड़ा सा जाहिर है कि हर शख्स अपना नुक्ता नजर होता है, कुछ चीज़ों में मामूली सा इनसे इख्तलाफ राय रखने की जरूरत करूँगा, थोड़ा सा हल्की फुल्की छोटी सी चीज़ों पे। मसलन ये कि हमारे अपने मुशाहदे जो होते हैं उनके मुताबिक कुछ चीज़ों में लोग पैदाइशी होते हैं। मसलन वो शायरों का कहते हैं कि शायर के ऊपर उतरता है, या किताब लिखते हैं तब किताब आपके अंदर से निकल रही है, या ऐसी चीज़ें। आजकल अभी रिसेंटली मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, तो आजकल जो रिसेंट रिसर्च है साइकोलॉजी वगैरह के बारे में, वो लोग कहते हैं कि अब ये बातें पुराने ज़माने की ख़त्म हो गई हैं, जब हम कहते थे कि स्कूल में फ़लाँ बच्चा लायक है और फ़लाँ बच्चा नालायक है, या ये कि फ़लाँ में इस चीज़ की एबिलिटी है और फ़लाँ में इस चीज़ की एबिलिटी नहीं है, या फ़लाँ का आई क्यू बड़ा हाई है और फ़लाँ का आई क्यू लो है। बल्कि अब वो ये कहते हैं कि आई क्यू को भी बदला जा सकता है, उसको ट्रेन करके बंदे को उसका आई क्यू बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने जितनी बातें बताई हैं उन सब से नतीजा तो वो निकलता है जो कि मैं समझता हूँ कि हर इंसान कोशिश करके जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है, बशर्ते कि वो हट आराम ना हो, उसके ऊपर लग जाए काम करने के ऊपर। और मेरे ख्याल में नईम मुश्ताक साहब ने अपनी ज़िंदगी के हालात से यही बातें हमें बताई हैं कि जो बंदा उस चीज़ के ऊपर लग गया, यानी कि वो काम करना शुरू हो गया, वो बैठ गया, उसने किताब पढ़ने में बोरियत महसूस नहीं की, उसने लिखने में बोरियत महसूस नहीं की, तो वो कामयाब हो गया। और जिन चीज़ों को कह रहे थे कि ये अंदर से है या पैदाइशी है, मेरे ख्याल में उन अल्फाज को बस सिर्फ ज़रा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा कुछ उन्होंने किया वही है कि हम अपने हालात से और इर्द गिर्द से सीखते हैं। हमारे यहाँ अखबार एक ही किस्म का होता है, लेकिन मुख्तलिफ लोग उसके मुख्तलिफ सफ़े पढ़ते हैं और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्मों की खबरें पढ़ते हैं। टेलीविज़न तकरीबन एक किस्म की ही चीज़ें उसमें होती हैं, लेकिन मुख्तलिफ लोग उसके मुख्तलिफ प्रोग्राम देखते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो किताबें लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं वो एक ही तरह की होती हैं, लेकिन मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किताबें लेके पढ़ते हैं। जो बंदा कोशिश करता है, जिस तरह नईम मुश्ताक साहब ने बड़ी कोशिश की, जिस तरह मेहनत करके कि जब वो थके होते थे तब भी किताब पढ़ी, जब पसीना आया हुआ तब भी मैकडोनल्ड में बैठ के किताब पढ़ ली, उस पर निशान लगा ली। अब ये वाले जो काम थे ना, मेहनत तलब काम, ये जो बंदा करेगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा, वो किताब नहीं लिख सकेगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इनकी इन आज की बातों से हमें बहुत हौसला मिला है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चली हैं, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है जिसको मैं ज़रा मुख्तलिफ अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि जो कोशिश करेगा, जो मेहनत करेगा, जो उसके पीछे पड़ जाएगा, जो लगा रहेगा, जो अपने कंफर्ट जोन से निकलेगा वो कामयाब होगा। किताब लिखने के बारे में भी यही है कि जो बंदा अपने कम्फर्ट जोन से निकलेगा, खाली किताब लिखने की ख्वाहिश नहीं करेगा। जैसे मेरे जैसे बंदे, तो मैं 19-20 साल से एक किताब का बना के बैठा हूँ, अभी तक नहीं लिख सका। वो HEC को भी शुरू में बना के भेजी की सारा कुछ, लेकिन वो यही था कि अपने कंफर्ट जोन से ज़रा बाहर निकलने का था। तो इनकी बातें सुन के, मुश्ताक साहब के तजर्बे से फ़ायदा हासिल करके कुछ कोशिश करते हैं कि हम लोग भी कुछ ऐसा करें और कुछ कर सकें। आइंदा साल दो साल में मैंने कोई एक दो किताबें लिख ली तो मैं समझूंगा कि मेरा ये आज का वेबिनार अटेंड करने का मकसद पूरा हो गया, और मैं समझूंगा कि मुश्ताक साहब ने जो बातें की, जो अपनी चीज़ें बताई हैं, वो उसमें कामयाब रहे। उन्होंने इतने मुनासिब तरीके से, इतने अच्छे तरीके से ये बताई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी इंस्पिरेशनल टॉक थी। मैं समझता हूँ जिस तरह डॉक्टर अमजद साहब ने भी कहा कि जो लोग कुछ लिख के रखे हुए हैं काफी अरसे से और वो हौसला नहीं कर रहे, शायद इसके बाद वो आगे आए। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि बुक्स एक्चुअली दो तरह की होती हैं। एक तो ये है कि जैसे आपकी इमोशनल साइकोलॉजिकल और उस बेस पे आप बुक्स लिखते हैं, दूसरी टेक्निकल होती हैं। मैं जो लैंग्वेज है उसकी दुरुस्तगी के लिए, अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं या खासतौर पे इंग्लिश लैंग्वेज है, एक चीज़ है कि आपके ख्यालात क्या हैं, आपने उनको जमा कर लिया, अपने अल्फाज में लिख लिया, लेकिन बाद में उसकी जो लैंग्वेज की दुरुस्तगी और ये चीज़ें, इसके लिए कोई आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या किस तरह से आप इसको हैंडल करते हैं, या इसके लिए आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये मेरा क्वेश्चन। अच्छा, मेरा उसमें ये है कि मैंने जिंदगी में लैंग्वेज अपने जो मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ अपने तजर्बे और अपने नॉलेज पे इन्हेंसार करता हूँ। बाद का जब मैं दूसरी किताबें, मैंने जुमला बोला था कि अच्छा ऑथर बनने के लिए अच्छा रीडर होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे रीडर की एक सलाहियत ये होती है कि वो दूसरों को देखता है कि वो बात कैसे कर रहे हैं। जिस तरह अच्छा स्पीकर
स्पीकिंग डेवलप करने के लिए आप दूसरे स्पीकर को सुनते हैं कि उनका लहजा कैसे है, बात किस तरह से करते हैं। तो अगर आप अच्छे ऑथर हैं तो अपनी वोकैबुलरी खुद डेवलप करें, क्योंकि आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो आपका पर्सनैलिटी ब्रांड है। और जो मैंने चीज़ सीखी है, दुनिया के जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं उनमें दो तीन चीज़ें हैं जो स्कॉलरली बुक्स में नहीं होती। वो नंबर एक तो ये है कि वो सिंपल हो, नंबर दो है उसके अंदर क्रेडिबिलिटी हो, जो बात कही जा रही है वो ऐसे रेफरेंसेस के साथ एस्टेब्लिश की हो कि उसको रद्द करने के लिए भी उससे डबल मेहनत करनी पड़े। और तीसरी चीज़ है कि वो दिल को भी लगने वाली हो, आपकी छठी हिस लफ्ज़ों के बगैर उसकी तस्दीक करने के काबिल भी हो। तो अगर आप एज अ ऑथर राइटिंग टेक्निक्स और स्पिरिचुअलिटी अपने अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक, अगर आप बंदे से कनेक्ट नहीं हैं और खुदा से कनेक्ट नहीं हैं, तो जब लिखेंगे तो या खुदा को नाराज कर रहे होंगे या बंदे को नाराज कर रहे होंगे। तो जब आप बंदे के लिए लिख रहे हैं और खुदा से भी कनेक्ट हैं, तो बड़ी जगहों पे खुदा रहनुमाई कर देता है कि यहाँ ये ना लिखें, छठी साहब की बोल पड़ती है, छठी को भी कंट्रोल ही करा ना कोई। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप मैन कनेक्टेड होने के साथ साथ गॉड कनेक्टेड भी हो जाए। अच्छे ऑथर हमेशा को हर चीज, क्योंकि जो भी ऑथर होगा वो अपने जमाने में बैठ के लिख रहा है, और या तो अपने जमाने के लोगों से रहनुमाई लेगा या पिछले जमाने के लोगों से, और लिख वो रहा फ्यूचर के लिए। तो हर चीज ना उसको माजी से मिलनी है ना हाल से मिलनी है, कुछ फ्यूचर वाले से भी मिलनी होगी। तो इसलिए जब आप स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली तीनों सतह पे ट्रेंड भी होंगे और कनेक्ट भी होंगे, तो बहुत सारे लफ्ज आप खुद से ही याद कर लेते हैं जिसपे ना लैंग्वेज को एतराज होता है, वो सिर्फ एक मुरक्कब बनाना होता है। बहुत सारे वासिफ अली वासिफ को देख लें, उनके जुमले देख लें आप, है उर्दू जुबान ही, कंस्ट्रक्शन उनकी अपनी है, और उनके जुमले पढ़ के बता देता आदमी के ये वासिफ अली वासिफ। तो समटाइम्स जुबान ऑथर की गुलाम बन जाती है और कुछ ऑथर जुबान के गुलाम रहते हैं, फर्क होता है दोनों में। असल चीज जो है ना इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट, वो आपके अंदर के आदमी